की वर्किंग में पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए और डी जो है इसको हमने नोटबुक पे सॉल्व करना है। ये डिवीजन के क्वेश्चन है, मतलब डिवाइड करना है। 399 को हमने 17 पे डिवाइड करना है। टू डिजिट हमारा डिवाइज़र है तो हमने देखना है कि अंदर भी टू डिजिट लेने हैं। 39 है फर्स्ट, 17 का टेबल में अगर हमने 39 लाना है या इससे छोटा, 17 के टेबल को 2 तक पढ़ें तो 34 आता है, 3 तक पढ़ें तो 51 आ जाता है। 51 बड़ा है इसलिए हम 34 यहाँ लिखेंगे। 17 टू ज़ा 34, 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 5। अब ये 5 बचा है तो ऊपर से हम 9 उतार लेंगे, ये आ गया हमारे पास 59। 17 के टेबल में 59 से छोटा हमारे पास आ रहा है 51, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 17 थ्री ज़ा 51। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब 8 है, ऊपर भी कोई अमाउंट नहीं है और 17 से छोटा है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो 23 रिमाइंडर 8 जो है ये हमारा आंसर है। देन 5641 को हमने डिवाइड करना है 3 पे, 13 पे हम देखेंगे 56 13 के टेबल में आता है या इससे छोटा। 13 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो 26 आता है, 3 तक पढ़ते हैं तो 39 आता है, 4 तक पढ़ते हैं तो 52 56 के नियर बाय है, तो हम ये राइट कर देंगे 13 4 52। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास 5 में से 5 तो 0। अब ये 4 है तो हम ये वाला 4 भी नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास हो गया 44। 13 के टेबल में 44 से छोटी जो हमारे पास अमाउंट है वो है 39, तो 13 3 39 यहाँ पर राइट करेंगे। 4 में से 9 माइनस नहीं होता, कैरी लेंगे। 14 में से 9 माइनस करेंगे, 14 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। अब ये नीचे खाली 5 था, 5 13 से छोटा है इसलिए ऊपर वाला 1 भी हम यहाँ पर नीचे लेंगे, हमारे पास 51 है। 13 को अब हमने 51 को 13 पे डिवाइड करना है। 51 से छोटा हमारा 13 के टेबल में 4 पे करते हैं तो 52 है, 3 पे करते हैं तो 39 आ रहा है। 39 1 में से 9 माइनस नहीं होता, कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 यानी 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 433। 12 जो है 13 से छोटा है इसलिए ये रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 433 रिमाइंडर 12।